harako kaliye gura laddu sahi sura varako mahima kahe na jaye lagto badko jai dev jai dev jai jai shri ganaraj vidya sura data. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे. और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बुलबुल ब्लॉग्स रश्मि क्रिएशंस में. तो आज हम लोग जा रहे हैं अपनी जिठानी जी के यहाँ, और वहाँ है गणेश विसर्जन. तो हम लोग बस पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में. तो आप भी इंजॉय कीजिए इस व्लॉग को, और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा. तो यहाँ पर मैं और मेरे बच्चे और हस्बैंड के साथ मैं जा रही हूँ. बस अभी 15 मिनट की दूरी पर ही है, 15-20 मिनट में हम लोग पहुँचने वाले हैं. तो मेरी भाभी जी ने यहाँ पे गणेश की स्थापना की थी, गणेश भगवान की. तो अब आज हो गए हैं 5 दिन, और ये देखिए गुस्सा थे आते समय, और अब थोड़ा सा मूड उनका ठीक हो रहा है. देखिए गुस्सा बैठा हुआ है. जब भी कहीं जाते हैं हम लोग तो गुस्सा ज़रूर होना है इन्हें. तो यहाँ पर एक एरिया है रेलवे कॉलोनी, तो वहीं पे रहती हैं मेरी भाभी जी. तो घर इतना बड़ा है, घर के अंदर ही खेत हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. सब्ज़ी वगैरह सब अंदर होती. इतना बड़ा एरिया है, इतना खुला स्पेस है कि मेरे बच्चों को यहाँ बहुत अच्छा लगता है. तो देखिए और इन्जॉय कीजिए आगे. और ये है चाची जी के घर का बाहर का व्यू. बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं तरह तरह के, कुछ का तो नाम भी मैं नहीं जानती.
पहले यहाँ पे पूरे खेत भी लगे थे, लेकिन अभी कुछ नहीं लगा हुआ है बीच में। विसर्जन होने वाला है, गड्ढा खोदा जा रहा है तो वहीं पे विसर्जन होगा। और ये देखिए लिली के फ्लावर। ऐसे खुला खुला घर बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितनी सारी जगह घर के अंदर, और बारिश की वजह से कुछ ग्रीनरी ज़्यादा ही है, खेत है पूरा। ये देखिए नीम के पेड़। तो एक छोटी मोटी पार्टी भी घर में हो सकती है, हो चुका है हम लोगों का। अब बस थोड़ा सा रेस्ट के बाद तैयारियां चल रही हैं। पढ़ी हो ना लोग, फोन में ही लगी होगी आज। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया।
गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, मोरिया।